नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जैन। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंट के अंदर मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट। मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट तो बहुत सारी है, लेकिन जो हमारे बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो फर्स्ट हेल्थ से प्रीमियम स्कीम और दूसरा है रोवन प्रीमियम स्कीम। ये दो मेथड है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल के हिसाब से ये मेथड ज़्यादा पूछा जाता है बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें वर्कर की वेजेज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, तो सबसे पहले हेल्थ से मेथड में लेते हैं। हम हेल्थ से मेथड में ये देखिए आप टोटल वेजेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। टाइम टेकन यानी कि वर्कर ने काम को पूरा करने में कितना टाइम लिया इनटू आवरली रेट यानी कि एक घंटे का उसको कितना मिलता है, तो टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। उसके बाद दिया हुआ है प्लस परसेंटेज ऑफ प्रीमियम ऑफ टाइम सेव इनटू आवरली रेट यानी कि हेल्थ से मेथड में वर्कर जितना टाइम सेव करता है उसके हिसाब से उसको प्रीमियम यानी कि बोनस दिया जाता है। और ये बोनस की परसेंटेज रेट क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो इसको 50% एज्यूम कर लिया जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है हेल्थ से का। अब हम रोवन प्रीमियम स्कीम के फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं। इसमें टोटल वेजेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस टाइम सेव अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट यानी कि इसमें जो प्रीमियम दिया जाता है वो आप देखिए यहाँ पर कि इसमें जो प्रीमियम है वो टाइम सेव अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट यानी कि प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट होगा। अब इन दोनों मेथड को प्रैक्टिकली अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, उस एग्जांपल के द्वारा आपको ये दोनों मेथड क्लियर करते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे है आपके सामने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर रोवन प्रीमियम एंड, दोनों मेथड से बोला है रोवन प्रीमियम स्कीम एंड हेल्थ से प्रीमियम स्कीम, दोनों मेथड से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें हमको अवरली रेट दिया हुआ है 75 पैसे 75 पैसा एक घंटे का, स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 दर्जन आर्टिकल्स 3 आवर्स यानी कि 1 दर्जन आर्टिकल्स को बनाने के लिए इनको टाइम दिया गया है 3 आवर्स 3 घंटे। अब एक्चुअल इन्होंने जो प्रोडक्शन किया है वो है 20 दर्जन और इन्होंने एक्चुअल टाइम लिया है उसको बनाने में 48 आवर्स। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको अब आप समझिएगा अच्छे से, बहुत इजी है ये। सबसे पहले एक्चुअल टाइम टेकन 20 दर्जन का हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये देखिए एक्चुअल टाइम टेकन वर्कर ने काम को पूरा करने में 48 आवर्स का एक्चुअल टाइम लिया और स्टैंडर्ड टाइम ये स्टैंडर्ड टाइम क्वेश्चन में जो दिया है वो 1 दर्जन के लिए दिया है तो स्टैंडर्ड टाइम 1 दर्जन इज इक्वल टू 3 आवर्स यानी कि 1 दर्जन को बनाने में 3 घंटा। तो हमको ये बताना है कि स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअल में जो 20 दर्जन बनाए उसके लिए कितना लगेगा, स्टैंडर्ड टाइम
फॉर 20 दर्जन। तो एक दर्जन के लिए 3 घंटे 3 hours, तो 20 दर्जन के लिए हो जाएगा 20 × 3 = 60 hours, यानी कि 60 घंटा 60 घंटे इनको दिया गया काम को पूरा करने के लिए, और इन्होंने काम कर दिया 48 hours में। तो इन्होंने कितना टाइम बचाया अपने मालिक का, तो वो देखिए, टाइम सेव बाय वर्कर सिक्सटी माइनस 48 = 12 hours, यानी कि इन्होंने 12 घंटे अपने मालिक के बचा दिए। अब टोटल वेजेस दोनों मेथड के हिसाब से अपन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं इसमें हेल्थ से मेथड से फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन में है जो अभी हमने देखा। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, हेल्थ से के अनुसार जो फॉर्मूला है उसमें टाइम टेकन जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 48 मल्टीप्लाई 0.75 इनका आवरली रेट जो दिया हुआ है, फिर प्लस, अब यहां पर रेट ऑफ प्रीमियम नहीं दिया है तो हम 50% लेंगे, रेट ऑफ प्रीमियम 50% 50% ऑफ। अब ये 50% ऑफ हमको किसका निकालना है, टाइम सेव्ड 12 आवर्स मल्टीप्लाई 0.75 यानी कि आवरली रेट। अब इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं, 48 × 0.75 तो हमारी अमाउंट आएगी 36 प्लस 50% ऑफ। अब ये 50% ऑफ 12 × 0.75 तो 12 × 0.75 आ गया हमारा 9। अब इसको आप देखिए, 36 प्लस 50% ऑफ 9 ये हो गया 4.5, इसका टोटल कर दीजिए और ये आ गया 40.5 टोटल वेजेस, यानी कि 40.50 हेल्थ से के अनुसार इसको टोटल वेजेस मिले। अब इसी क्वेश्चन को हम रोवन मेथड से बनाने जा रहे हैं। रोवन मेथड में फॉर्मूला हमारा था एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई आवरली रेट प्लस इसमें हम प्रीमियम के लिए लिखते थे टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई टाइम टेकन मल्टीप्लाई आवरली रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम। ये फॉर्मूला हमने रोवन से लिखा है। अब इस फॉर्मूले में हम जो जो वैल्यू हमको मालूम है सब पुट करके सॉल्व कर देते हैं। एक्चुअल टाइम टेकन जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 48 मल्टीप्लाई आवरली रेट 0.75 यानी कि 75 पैसा प्लस टाइम सेव्ड 12 आवर्स मल्टीप्लाई टाइम टेकन 48 आवर्स मल्टीप्लाई आवरली रेट 0.75 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड टाइम जो कि 60 घंटे 60 आवर्स हमको दिया हुआ है। अब हम इस फॉर्मूले में हमने सभी वैल्यू पुट कर दिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो रोवन से टोटल वेजेस कैलकुलेट हो जाएगा। तो टोटल वेजेस रोवन मेथड से कैलकुलेट करने के लिए 48.75, ये हमारा आ गया 36 प्लस। अब हम ये ब्रैकेट वाली वैल्यू को पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 7.2 इज इक्वल टू 43.2, 43.20 43.20। ये टोटल वेजेस हमारा आ गया रोवन मेथड से। तो ये वेजेज पेमेंट मेथड में हेल्से और रोवन काफ़ी इजी है ये मेथड। अब हम इसका थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस कराने के लिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अर्निंग विल अ वर्कमैन रिसीव अंडर हेल्से एंड रोवन स्कीम। हेल्से एंड रोवन स्कीम से ही हमको ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताया गया है। अब इसमें और बाकी क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है उसको भी देखते हैं हम। इफ ही एग्जीक्यूट्स अ पीस ऑफ वर्क इन 60 आवर्स अगेंस्ट 75 आवर्स अलाउड, इसको जो टाइम अलाउड किया गया था, जो टाइम इसको दिया गया था, जिसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड आवर्स, तो स्टैंडर्ड आवर्स 75 और इसने काम को कंप्लीट कर दिया 60 आवर्स में। हिज आवरली रेट इज ₹2 एंड ही इज पेड 50% ऑफ द टाइम सेव्ड अंडर हेल्से प्लान। यहां पर रेट ऑफ प्रीमियम हमको क्लियरली बोल दिया गया है 50%। ही गेट्स अ डियरनेस अलाउंस ऑफ ₹8 पर डे ऑफ 8 आवर्स। यहां पर वर्कर को वेजेज के साथ साथ डियरनेस अलाउंस भी दिया जा रहा है, महंगाई के लिए ये अलाउंस दिया जाता है, उसका भी हमको कैलकुलेशन करके और टोटल वेजेस कैलकुलेट करने में ऐड करना पड़ेगा। अब हमको दोनों मेथड से इसमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है टोटल वेजेस। तो सबसे पहले हम टोटल वेजेज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो जो चीज़ें हमको दी हुई है, जैसे एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल टाइम टेकन हम लोगों को इसमें यहाँ पर दिया हुआ है 60 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको भी लिख लेते हैं हम। स्टैंडर्ड टाइम हमको दिया हुआ है 75 आवर्स। अब स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम जो दोनों का डिफरेंस है वो हो जाएगा टाइम सेव। टाइम सेव 75 स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम 60 इज इक्वल टू टाइम सेव 15 आवर्स। आवरली रेट इस क्वेश्चन में दे दिया है ₹2, यानी कि पर आवर ₹2 उसका रेट दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमको एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया है डियरनेस अलाउंस के बारे में। तो डियरनेस अलाउंस भी हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद उसको भी टोटल वेजेस कैलकुलेट करते समय उसको भी ऐड कर देंगे, तब वर्कर की एक्चुअल टोटल वेजेज हमको कैलकुलेट होगी। यहां पर डियरनेस अलाउंस जो दिया हुआ है ₹8 दिया हुआ है 8 आवर्स का, तो ₹8 8 आवर का है,
तो 1 आवर का आ जाएगा डियरनेस अलाउंस। सबसे पहले हम डियरनेस अलाउंस पर आवर कैलकुलेट करते हैं, तो 8/8, तो ये आ गया ₹1 per hour। टोटल वर्कर ने काम जो किया है वो उसने किया है 60 आवर्स, तो 60 आवर्स का डियरनेस अलाउंस हो जाएगा 60 × 1 = ₹60। ये ₹60 हो गया टोटल डियरनेस अलाउंस, ये टोटल डियरनेस अलाउंस हो गया। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला हेल्से और रोहन का, दोनों फॉर्मूले में 1/1 हम पुट करके और टोटल वेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हेल्से के फॉर्मूले के अनुसार टोटल वेजेस हमको कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला है हमारा टाइम टेकन। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, टाइम टेकन मल्टीप्लाई आवरली रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई आवरली रेट। अब यहां पर इसमें हमको डियरनेस अलाउंस भी ऐड करना पड़ेगा जो उसको मिल रहा है, तो यहां पर ये हमने लिख दिया डियरनेस अलाउंस। अब हम फॉर्मूले में जितनी भी चीजें हैं वो सब पुट कर देते हैं, तो हेल्थ के अनुसार टोटल वेजेस कैलकुलेट हो जाएगा। टाइम टेकन इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ₹60 मल्टीप्लाई ₹2 आवरली रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 15, मतलब हमने कैलकुलेट किया था ये, और आवरली रेट है ₹2, और आखिरी में प्लस कर देंगे हम डियरनेस अलाउंस की अमाउंट जो हमने कैलकुलेट की थी ₹60। अब यहां पर सॉल्व कर लीजिए इसको, 120 प्लस 50% ऑफ 15 × 2 यानी 30, और प्लस कर देंगे बाद में ₹60 डियरनेस अलाउंस के लिए, तो 120 प्लस 50% ऑफ 30, तो 30 का 50% आ गया ₹15 प्लस 60 = इन सबको हम ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट होती है ₹195। तो ये आ गया हेल्से के अनुसार टोटल वेजेस। सेम ऐसे ही अब हम रोहन के फॉर्मूले में भी इन सभी वैल्यू को पुट करके और टोटल वेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं। रोहन का जो फॉर्मूला है उसको हम लिख लेते हैं, और उसके बाद जो भी वैल्यू है उसको हम पुट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रोहन टोटल वेजेस = टाइम टेकन into hourly rate plus time saved into time taken into hourly rate divided by standard time। अब इसके बाद इसमें भी हम डियरनेस अलाउंस को यानी महंगाई भत्ते को प्लस कर देंगे।
जो हम कैलकुलेट कर चुके। अब हम इसमें इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं टोटल वेजेस कैलकुलेट करने के लिए। टाइम टेकन हमको 120, टाइम टेकन था हमारा 60 आवर्स, मल्टीप्लाई 2 आवरली रेट प्लस टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड 15 इंटू टाइम टेकन, टाइम टेकन 60 आवर्स इंटू आवरली रेट 2 रुपीज डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम 75। अब हम इसमें प्लस कर देंगे डियरनेस अलाउंस जिसकी अमाउंट है 60 रुपीज। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा टोटल वेजेस अकॉर्डिंग टू रोहन कैलकुलेट हो जाएगा। 60 × 2 = 120 प्लस ये हम ब्रैकेट की अमाउंट को सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें आएगा हमारा अमाउंट 24 प्लस डियरनेस की अमाउंट है 60। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल वेजेस अकॉर्डिंग टू रोहन मेथड आ गया 204 रुपीज। तो ये हमने क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व किया। तो हमने आपको इसकी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हमारे बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी यूजफुल होगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है ये। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको आगे भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।